Alright guys, welcome back to the channel. Today we'll be doing a comparison between the BS6 and the BS3 Bullet. मेरे दोस्त के पास क्लासिक 350 है, तो 2013 मॉडल है या 14 मॉडल है मैं श्योर नहीं हूँ, उससे पूछ के बताएंगे आपको, वीडियो में दिखाएंगे आज, और उसका और नई वाली में क्या फ़र्क आया है मेजर वो बताएंगे. उसके बाद हो सकता है शोरूम में जाके जो नई वाली स्टैंडर्ड है वो भी देख के आएँ कैसी लग रही है. ऑनेस्टली बताऊँ, फ़ोटो और वीडियोस देख के मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि अब वो स्टैंडर्ड रही नहीं, बस टंकी टंकी है, बाकी सब पार्ट क्लासिक के हैं. क्या पता सामने से देख के अच्छी लगे, हो सकता है वहाँ भी जाएं, लेकिन BS3 वर्सेस BS6 का कंपैरिजन तो डेफिनेटली करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सो इफ़ यू गाइज डू एक्चुअली लाइक द वीडियो, यू कैन गिव इट अ थम्स अप. इफ़ यू डोंट, डू नॉट इवन वॉच द वीडियो, यू कैन स्टॉप राइट हियर एंड गो. Just kidding guys. Chalo, we'll see you guys in the video. हाँ जी गाइज, अब क्या होने वाला है कि आपको एक अपडेट दे दूँ कि अपनी तरफ से हम जो बेस्ट क्वालिटी कर सकते थे कर रहे हैं. मैं देख रहा था, नोटिस कर रहा था पिछली वीडियोज़ में क्या था कि जो क्वालिटी कैमरा की आ रही थी वो जेन्युइनली मुझे भी इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी. iPhone XS Max था मेरे पास, जिसका कैमरा क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि काफ़ी पुराना जनरेशन का फ़ोन है, और स्टेबलाइजेशन भी इतनी अच्छी नहीं है. तो हमने क्या करा है, हमने मोटा खर्चा कर दिया. आईफोन 13 से अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, गिम्बल के साथ रिकॉर्ड हो रही है. तो स्टेबलाइजेशन और ओवरऑल फुटेज क्वालिटी में आप बताओ कितना आपको बढ़िया लग रहा. मेरी तरफ से अब ये बेस्ट है, अब इससे बेटर मैं कर नहीं सकता. आप भी देख सकते हो कि सच में अब फुटेज इतनी स्टेबल आ रही है जिसका कोई जवाब नहीं. चलो, इफ़ यू गाइज डू एक्चुअली लाइक द वीडियो नाउ, इफ़ यू डू थिंक कि बेटर है, थोड़ा सपोर्ट करो क्योंकि पैसे खर्च होते हैं. थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली और कर देंगे. भाई आप बोलोगे तो मैं तो रेड कैमरा से भी शूट कर दूंगा एक दिन. अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश है. चलो, विल सी यू गाइज इन द क्लब. हाँ जी, तो चल पड़े हैं बाल कटवाने. बाल कटवा के विल सी यू गाइज देयर. बाइक रखी है पूरी गंदी, इसे भी होपफुली धुलवाएंगे आज. लगवा रखा अपना छोटू, सारा पैसे लेता, साफ तो क्या ही करता. ये देखो सुबह साफ हुई है, कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा. चलो, विल सी यू गाइस आफ्टर गेटिंग द हेयर डन. चल पड़े बाइक को धुलवाने के लिए. कंडीशन आपको दिखाई देते हैं, बहुत गंदी हो रही है बाइक की. मतलब इतने गंदी तो कभी नहीं हुई जब से लाई है, सारा मिट्टी चट रही है. चलो धुलवाने के बाद आपको दिखाते हैं, या धुलवाते हुए भी दिखा देंगे. बाइक धुलवाते धुलवाते तूफान आ गया, अब ऐसे फिर गंदी हो जाएगी, क्या करें, जिंदगी हमारी तो नरकी होती जा रही है. कोई काम करने जाओ वहीं चोट हो जाती है. धुलवाते धुलवाते तूफान उठ गया सारे वहाँ, धुलवा लो.
हाँ जी गाइस, बाइक धुल चुकी है, सेक्सी लग रही है, आप देख सकते हो। अब हमारी किस्मत इतनी चूतिया है कि क्या बताएं, कि जैसे हम दुलुआ के लाए वैसी बारिश होने लगी। और भाई ने बोला कि पॉलिश है, अब पॉलिश के नाम पे तो ये थोड़ा चूतिया से बना दिया, इससे ज़्यादा तो पहले ही चमक रही थी। लेकिन टायर वाली सही थी, टायर वाली पॉलिश कामयाब है, टायर बिल्कुल नया लग रहा है, एज यू गाइस कैन क्लियरली टेल। मौसम भी सेक्सी हो रहा, बस बूंद ना पड़े, बारिश ना हो, नहीं तो धुलवाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। चलो वैसे ओवरऑल तो सेक्सी लग रही है, नो डाउट, उस तरफ से भी दिखा देते हैं, लग तो सेक्सी रही है भाई। धुलवाने के बाद नई सी लगने लगती है, एक तो ये अगली बार से बस ये टायर पे पॉलिश करवाएंगे भाई, बॉडी पे तो नहीं करवाएंगे। साला कह रहा भाई सूख के चमकेगा, सूख के चमकेगा, इससे ज़्यादा तो है जो धुलते ही चमक रही थी, क्या पता नहीं है, या तो इसे रगड़ना होता है जो उसने रगड़ा नहीं। चलो कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखता आदमी। बाइक में क्या क्या काम कराना चाहिए आगे आप बताओ, थोड़ा सजेशन दो। हमारी तरफ से बस रूट्स लगने रहते हैं, अंडर बॉडी मैंने सोचा लाइट लगवाऊंगा, यही मोटा मोटी काम है जो अभी तक मैंने सोचे हैं। आप लोग सजेशन दो क्या कराना चाहिए, वही करा देंगे हम तो। घर आके मैंने खुद माइक्रोफैबिक क्लोथ से इससे खुद साफ़ करी है, तब जाके थोड़ी चमक रही है। जो भी उसने पॉलिश लगाई थी जुगाड़ था, कुछ हो नहीं रहा था, मतलब उसे रब करने के बाद थोड़ी चमक रही है तो चमक रही है, नहीं तो वैसे तो वो जुगाड़ ही था। हाँ टायर पे नो डाउट टायर चमक रहे हैं, टायर नहीं से लग रहे हैं, बॉडी पे नहीं कराऊंगा आज के बाद। हाँ जी गाइस, तो हम आए थे एमिन्स मॉल के पीछे वीडियो बनाने के लिए, बस वीडियो बनाने के लिए, नल्ली पब्लिक है, वीडियो बनाने के लिए आई है बस। ये हमारे दूसू साहब हैं, दूसू साहब का भी डोला और हरिओम भाई का तो रोला। चलो बकचोदी बहुत हो गई, ये हरिओम भाई की बाइक है, इसके साथ किस दिन रेस कराएंगे, BS6 बुलेट वर्सेस रेडर 125। टेक्निकली तो इनकी बाइक जीत जाएगी, लेकिन फिर भी झूठे को कर लेंगे। देखो भाई नहीं दिखेगी, ये क्या कर रहे थे, एक जगह चक्कर रहने दो, मेरी हेडलाइट जली हुई है। अरे जली हुई है? अरे पागल है क्या इतनी जलती है?